दोस्तों आप लोगों को पीछे मेरे गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो कि इंडिया का पहला 5-स्टार रेलवे स्टेशन है एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज़ के साथ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम पूरा का पूरा इसका व्यू देखेंगे। ये आप लोगों को होटल भी नज़र आ रहा है 318 कमरों का जो कि गांधीनगर की सबसे ऊँची ये बिल्डिंग है। तो ये देखिए पूरा इसका व्यू। तो मेरे पीछे ये गांधी कुटीर है जो कोरोना की वजह से बंद है, लेकिन ये भी एक दर्शनीय स्थल है बहुत अच्छा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग फोटोज ले रहे हैं क्योंकि एक तरह से दर्शनीय स्थल ये बन गया है। बहुत ही प्यारा इसका व्यू बनाया गया है, देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये पार्किंग 2-व्हीलर 4-व्हीलर हो या फिर दिव्यांग लोग हों, सभी के लिए अलग अलग फैसिलिटीज यहाँ पर दी गई है, पार्किंग रजिस्टर्ड की गई है, सबको यहाँ पर पार्किंग की फुल फैसिलिटी मिलेगी। ये स्टेशन के सामने बिल्कुल गार्डन है और इस गार्डन के अंदर ये तिरंगा झंडा आप लोग देख रहे हो कितना अच्छे से लहला रहा है। हमारा तिरंगा सच में बहुत ही प्यारा और बहुत ही आनंद मिलता है इसको देख करके। दोस्तों गांधीनगर रेलवे स्टेशन 5-स्टार रेटिंग वाला पहला रेलवे स्टेशन है अपने देश का, क्योंकि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल 5-स्टार वाली दी गई हैं। होटल के बारे में भी हम बात करेंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो इस स्टेशन का निर्माण 2017 में इसका स्टार्ट हुआ था रेनोवेशन का, और 2021 में ये रेडी हो गया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन कर दिया है। ये इसका इनसाइड का व्यू देखिए किस तरीके से यहाँ पर बैठने की, और ऊपर से पूरा का पूरा कवर्ड है इस तरीके का यहाँ पर शेड बना गया है जो इसका भव्य लुक बना रहा है। तो दोस्तों ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि पीछे जो मेरा स्टेशन है और यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर प्लेटफॉर्म है, और जो ये ऊपर होटल बना हुआ है वहाँ पर जाने का जो रास्ता है यहाँ से ऊपर का ही रास्ता बना रखा है। एस्केलेटर वगैरह की फैसिलिटी गई है दिव्यांगों के लिए, पार्किंग वगैरह और एयरपोर्ट टाइप फैसिलिटीज़ के लिए जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह का, वो सब ऑलरेडी यहाँ पर काम चल रहा है। तो उसका डेवलपमेंट का काम भी बहुत अच्छे से हो रहा है। तो देखिए दोस्तों स्टेशन बहुत ही मज़ेदार और है, चमक बहुत अच्छी बना रहे हैं। और ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा उधर पीछे मेट्रो लाइन, चलिए वो मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ का व्यू। तो दोस्तों ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर भूमिगत मार्ग लिखा हुआ है, मतलब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए आपको एक तो ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी होती है दिव्यांग लोगों को खास करके या बुजुर्ग लोगों को, लेकिन यहाँ पर अंडरग्राउंड ही रास्ता बना गया है और ऊपर से कवर्ड है तो यहाँ पर आप लोगों को कोई परेशानी भी नहीं है। एलिवेटर एस्केलेटर की फैसिलिटीज़ तो है ही है साथ में। और ये आप लोगों को दूसरा जो व्यू है वो भी दिखा देते हैं कि जो मेट्रो स्टेशन, क्योंकि गांधीनगर रेलवे स्टेशन है ये रेलो पुलिस के तरज पर बनाया गया है, तो क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है इसलिए मेट्रो स्टेशन का कनेक्शन भी गांधीनगर रेलवे स्टेशन से जो कि डायरेक्टली अहमदाबाद से कनेक्टेड रहेगा। तो दोस्तों पूरा का पूरा जो सेट है वो बहुत ही अच्छा बनाया गया है, स्टेशन का निर्माण बहुत अच्छा है, ऊपर होटल है 318 कमरों का जो कि 5-स्टार होटल है, लोग यहाँ पर रह सकते हैं, कनेक्टिविटी हो, मतलब रहें खाएँ पिएँ और अपने काम पर निकलें, ऐसा ये रेलवे स्टेशन तैयार किया गया है। क्योंकि इसका आप लोगों को देख रही है जैसे एयरपोर्ट आप लोगों ने ऐसे डेकोरेशन वाले देखे होंगे, जो ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा है। दिव्यांग लोगों के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ दी गई हैं और भी जो कि एक बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए आम लोगों के लिए, वो यहाँ पर हर तरीके की दी गई हैं। जैसे आप लोगों को इंटीरियर का जो डेकोरेशन है वो आप लोगों को देख रहे होंगे, और या आप लोगों को देखिए यहाँ पर एक तरह से फोटो गैलरी टाइप का यहाँ पर बनाया गया है। स्टेशन का एक बहुत बड़ी LED स्क्रीन है सामने जहाँ पर इसका नाइट का ये व्यू दिखाया गया है, जहाँ पर बहुत सारी LED लाइट जो स्टेशन पर लगाई गई हैं, तो ये सारा का सारा जो नाइट का व्यू रहेगा उसकी LED जो अलग अलग कलर की तो कलरफुल रहेंगी। इसमें जो देखिए यहाँ पर पब्लिक किस तरीके से फ़ोटोज वगैरह ले रही है, और जैसे बेबी फीडिंग रूम है और AC जो की जो फैसिलिटीज़ है अलग अलग, जैसे वेटिंग रूम वगैरह होते हैं। ये देखिए इंटीरियर यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाए गए हैं जो कि गुजराती लोग जिस तरीके से उनका पहनावा होता है, ये लकड़ी का अलग से बनाया गया है, कितना ये प्यारा लग रहा, बहुत ही प्यारा ये व्यू है। तो इस तरीके से बहुत ही एयरपोर्ट टाइप का पब्लिक
के लिए स्पेशल फैसिलिटी वाला, यहाँ पर पब्लिक को बहुत ज़रूरत है ध्यान देने की कि हम हमारे स्टेशनों को बिल्कुल ध्यान से रखें, कोई हमें इसमें गंदा ना करें, साफ़ सफाई का हम खुद ध्यान रखेंगे तो ही रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों ये आप लोगों को यहाँ पर मॉडल जो स्टेशन का बनाया गया था बहुत पहले 2017 में जब निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ तभी ये मॉडल बना करके यहाँ पर स्टेशन पर रख दिया गया था, और बिल्कुल हूबहू इस बिल्कुल जैसे ये मॉडल जो डिज़ाइन तैयार किया गया था, जो ये कंपनी यहाँ पर जैसे कि पूरा डाटा, इंजीनियर कौन थे, कंपनी कौन सी थी, सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है, बाहर का गार्डन का व्यू, उसके बाद दोनों साइड से किस तरीके से यहाँ पर सेट रहेगा, उसके बाद होटल जो 318 कमरा का से रहेगा, सब कुछ यहाँ पर व्यू दिखाया गया है, और उसी की तर्ज पर स्टेशन का जो निर्माण कार्य है वो कंप्लीट किया गया है, और बहुत अच्छे से बहुत ही वेल टेक्नोलॉजी और डिजाइन के साथ और टाइमली इसको कंप्लीट किया गया है। ये देखिए यहाँ पर छोटी छोटी जो डिजाइनिंग की गई है। चलिए अब मैं आप लोगों को स्टेशन अंदर से जो शेड वगैरह ऊपर से कवर्ड है और किस तरीके से यहाँ का अंदर का व्यू है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो चलिए मैं आप लोगों को प्लेटफॉर्म जो टिकट्स वगैरह जो काउंटर यहाँ पर जो आधुनिक टिकट काउंटर हैं और दिव्यांग लोगों के साथ साथ सभी के लिए यहाँ पर अच्छे से फैसिलिटी दी गई है। इस स्टेशन पर ज़्यादा रश नहीं होता इसलिए यहाँ पर टिकट वगैरह की तो बिल्कुल भी माथापच्ची नहीं है, ईजिली टिकट्स अवेलेबल सभी के लिए हो जाती हैं। प्लेटफॉर्म टिकट तो वही है जो भी एफेयर रहता है, यहाँ पर जो भी पूरा का पूरा टाइमली जो चार्ट है, जहाँ से जैसे कोई भी ट्रेन महाराष्ट्र जाती हो या फिर दिल्ली साइड जाती हो या फिर किसी भी अदर जैसे गुजरात के ही डिस्ट्रिक्ट में जाती हो, तो यहाँ से जो भी ट्रेनें हैं वो पूरा का पूरा यहाँ पर व्यू उनका दिखाया गया है। तो दोस्तों और ये जो रास्ता है आप लोगों को जैसे ऊपर जाने का, यहाँ पर एस्केलेटर है लेकिन ये अभी रास्ता बंद कर रखा है, क्योंकि जैसे कि ये जो एयरपोर्ट है सॉरी ये जो स्टेशन है एयरपोर्ट की तरफ तैयार किया गया है, जहाँ पर शॉपिंग मॉल वगैरह भी रहेंगे, तो यहाँ पर ऊपर जो भी शॉपिंग मॉल टाइप की जो पूरी फैसिलिटीज़ यहाँ पर जो दी जाएंगी वो सब यहाँ पर बनने जा रहा है, अभी काम उसका चल रहा है। तो ये देखिए अंदर का व्यू स्टेशन का, किस तरीके से यहाँ पर बैठने की फैसिलिटीज़ है, पब्लिक यहाँ पर है, पुलिस वगैरह यहाँ पर घूम रही है, तो ट्रेन भी सामने आप लोगों को खड़ी दिखाई दे ही रही होगी। तो बहुत ही सिस्टम से बहुत ही साफ़ सफाई के साथ और जल्द ही इसको वाईफाई की फैसिलिटीज़ के साथ भी स्टेशन को कर दिया जाएगा। ऐसे ही हिंदुस्तान सरकार जो कि इसका स्टेशन का इनॉग्रेशन जैसे हो चुका है, ऐसे ही करीब 50 से 100 या फिर कुछ ज़्यादा ही रेलवे स्टेशनों का निर्माण कार्य चल रहा है, और साथ में आधुनिक जो फैसिलिटीज उसके साथ में, बस पब्लिक को ध्यान रखना है कि वो इनको मेंटेन करके रखें, ऐसा नहीं कि यहाँ पर LED लाइट लगाई गई तो उसको तोड़ ले जाएं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर पार्किंग की एक दूसरी जो पार्किंग आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर 4-व्हीलर की जैसे पार्किंग है तो उसको कार का यहाँ पर एक फ़ोटो बनाया गया है, और ये बाहर से आप लोगों को देख सकते हैं कि जो स्टेशन है उसका कैसा व्यू है। मोटेरा स्टेडियम का यहाँ पर फोटो बनाया गया है, मोटेरा स्टेडियम जो कि दुनिया का नंबर 1 स्टेडियम है कैपेसिटी के हिसाब से। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों का स्टेशन का व्यू इस वीडियो में, काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी अच्छा अपडेट मैंने अपनी तरफ से देने की कोशिश की है, बहुत ही प्यारा बहुत ही 5-स्टार रेलवे स्टेशन का ये व्यू है। तो आप लोगों को गांधीनगर रेलवे स्टेशन का ये अपडेट इस वीडियो में आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, और ऐसे ही हमारे देश के रेलवे स्टेशनों का और कायाकल्प अच्छा होता रहे, अच्छे इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ में, अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ में, वाईफाई फैसिलिटीज़ के साथ में स्टेशन वगैरह का डेवलपमेंट होगा उतना ही हमारे लिए हमारे देश के लिए अच्छा होगा। चलिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।